नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा प्रश्न के इस मंच पर। आज की इस क्लास में आएंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, यानी श्रुति सम सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। इन शब्दों को शब्द युग्म भी कहा जाता है। जोड़े में शब्द होते हैं, वे उनकी लगभग सुनने में ध्वनि है एक तरीके की होती है, लगभग उन शब्दों में दिए हुए जो वर्ण है वो भी एक ही जैसे होते हैं, बस मात्राओं का हेर फेर होता है और कई बार अक्षर भी कुछ आगे पीछे होते हैं, इससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, हिंदी वो भाषा है जहां पर कोई मात्रा कोई बिंदु शब्द के पूरे अर्थ को बदल देता है। जैसे है एक वचन है, अगर इस पे अंग बिंदी का प्रयोग कर दिया जाए है तो बहुवचन के रूप में हो जाता है। तो देखते हैं इनके अर्थों के बारे में। सबसे पहला, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ को बता रहा है। अभिहित और अभिहित, ये दो शब्द दिए हैं, इनका आपको अर्थ भी बताना है। तो अभिहित और अभिहित माने क्या होता, प्राप्य और अनुचित, कहा हुआ या अनुचित और कहा हुआ या संकेत, अनुचित या तैयार। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो अभिहित शब्द होता है, कहते इसमें ये चीज मौजूद है, कही गई है, अभिहित के परिप्रेक्ष्य में वो शब्द आ जाता है कि ये कहा गया है या जानकारी रखना, इसके बारे में होता है जानकारी रखना। तो कहा हुआ और अनुचित, अभिहित का मतलब हो जाता है अनुचित, अभिहित साधनों का प्रयोग ना करें, अनुचित के संदर्भ में आ जाता है। अगला है असन और आसन, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, यहां पर ऐसे भी आता असन आसन और आसन। तो असन कपड़ा और भोजन, भोजन और व्यायाम, कपड़ा बैठने की वस्तु, भोजन और बैठने की वस्तु। तो ध्यान रखिएगा बेटा, आसन माने होता भोजन और आसन माने बैठने की वस्तु होता है, ये आपका डी सही हो जाएगा। कई बार इससे कहा जाता है कि अपने आसन व्यसन सुधारो, तो आसन माने क्या हो गया, जो भोजन है, और व्यसन माने हो जाए आदतें। कई बार ऐसे शब्द ध्यान रखेगा, जैसे आएगा आसन, फिर आएगा आसन और फिर आएगा आसन। तो आसन माने बेटा होता है भोजन और आसन माने निकट। जब आप काल पढ़ते हो टेंस, उसमें वो कहता आसन भूतकाल, अर्थात क्रिया का वह भेद जिससे पता चले कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुई है, और आसन जो है वो बैठने का स्थान होता है। क्या होता है, बैठने का स्थान। अगला है अवलंब और अविलंब। कहा जाता है यदि किसी बच्चे को उपसर्ग का ज्ञान है, प्रत्ययों का ज्ञान है, संधि का ज्ञान है, समास का ज्ञान है, तो अपने आप निकल जाएंगे। जैसे अवलंब, एक अवलंब शब्द हो गया, आ माने सहित होता है और आ अलग कर लो, अब लिख लो विलंब, विलंब माने देर, देर ना हो यानी शीघ्रता। तो अवलंब क्या, अवरोध सहारा, सहारा शीघ्र, शीघ्र देर, शीघ्र और सहारा। तो अवलंब माने होता है सहारा और अविलंब माने होता है शीघ्र। तो सहारा और शीघ्र जहां दिया होगा वही इस शब्द का अर्थ होगा। इत्र और इतर, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द भी कई बार आया है, इत्र और इतर शब्द युग्म, दूसरा और सुगंध, गोत्र इशारा, पवित्र और इधर, सुगंध और दूसरा। इत्र माने सुगंध होता है, इसका मतलब सुगंध है, इसका मतलब दूसरा है, तो यह आ जाएगा इत्र और सुगंध। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्द युग में कौन सा आया आपका, अरि और अरि। अरि, अरि माने क्या होता, शत्रु, अरि माने शत्रु, अरि एक संबोधन है। एक सखी एक सहेली जब अपनी दूसरी सहेली को बुलाती है तो वहां पर अरि शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो शत्रु और संबोधन किसके लिए, स्त्री के लिए। फिर आता है मनुज और मनोज, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, मनुष्य, और मनोज क्या है, मनः प्रस्य
मन में जन्मा विसर्ग संदेह किसके लिए होता? कामदेव के लिए। कामदेव को मनुष्य कहते हैं, तो मनुष्य और कामदेव एक इसका विकल्प सही हो जाएगा, मनुष्य और कामदेव। अगला है उत्पल और उपल, ये भी कई बार परीक्षा पूछा गया। उत्पल, उत्पल माने होता कमल, नीलोत्पल नीला कमल, और उपल माने होता पत्थर या ओले। तो जहां पर हो कमल और पत्थर, ये सी पॉइंट्स का सही हो जाएगा, उत्पल और उपल। फिर आता आपका प्राचीन और प्राचीर। प्राचीन माने पुराना और प्राचीर माने दीवार। महल की जो पहले राजाओं के राजमहल होते थे, तो महल का जो बाहरी बाउंड्री वॉल होती थी उसे प्राचीर कहते थे। तो प्राचीन माने पुराना और प्राचीर माने दीवार, पुराना और दीवार। अगला है लक्ष्य और लक्ष्य। हालांकि लक्ष्य एक अनेकार्थी शब्द है, तो लक्ष्य माने होगा उद्देश्य और लक्ष्य माने होता लाख। तो लक्ष्य माने उद्देश्य और लक्ष्य हो जाएगा आपका लाख। इंदिरा और इंद्रा। इंदिरा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची है और इंद्रा शब्द इंद्र की पत्नी इंद्राणी के लिए कहा जाता है। तो लक्ष्मी और इंद्र की पत्नी, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जी को इंदिरा, भार्गवी बहुत से पर्यायवाची, और इंद्र की पत्नी को इंद्रा कहा जाता है। शंकर और शंकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। शंकर माने होता है मिश्रित, मिला हुआ। शंकर शब्द दो भाषाओं के योग से बने शब्द को शंकर शब्द कहते हैं, और शंकर शंकर जी है, भगवान है। तो आपका हो जाएगा मिश्रित और शिव, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है अवगत और अभिगत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोस्वामी को, महाकवि सूरदास को पढ़िए, अभिगत गत कछ कहत न आवे, और ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो अवगत मतलब होता है ज्ञात, यानी विदित, आपको पता है, आपको ज्ञात है, वो विदित है। और अभिगत होता अव्यक्त, अभिगत गत कछ कहत न आवे, यानी जो ईश्वर निराकार है, जो अव्यक्त है, जो अनुपस्थित है, जो अदृश्य है, उसके बारे में आप कैसे पता करेंगे। अगला है शब्द युग्म अर्थ भेद। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? प्रवाल और प्रभार, यहां चार दिए गए, उनके उत्तर भी हैं। मूंगा और वस्त्र, दामन दमन, आंचल और दवाना, नेति नेति, अनंत और बंधन, अनल अनिल, आग और हवा। तो नेत नेति और नेति, तो नेति अनंत होता, ये तो सही है, लेकिन नेति का मतलब बंधन नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार सी इसका आपका हो जाएगा। फिर आता ग्रंथ और ग्रंथी। ग्रंथ क्या हो जाएगा? किसी भी महान या विशिष्ट खास जो किताब होती है उसे पुस्तक कहा जाता है, ग्रंथ कहा जाता है, और ग्रंथी होता है। हालांकि जो धर्म ग्रंथ है उनका जो वाचन करता है उसे ग्रंथी कहते हैं। यहां पर आपका आ जाएगा किताब और सिख गुरु। सिखों के धर्म गुरु होते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, उन्हें ग्रंथी कहा जाता है। अगला आपका आता है प्रथा और प्रथा। पहला प्रथा शब्द है, फिर प्रथा है, कुंती और रीति, अलग और रिवाज, नाम और ढाल, अलग और विलग। तो माता कुंती को प्रथा कहा जाता है, और इस प्रथा माने होता है परंपरा या रीति रिवाज। फिर आता है कि उसका चयन करें जो शब्द युग्म एक इसमें से सही नहीं है। बहन बहन, सहोदरा और ढोना, भाग भाग्य और हिस्सा। भाग और भाग क्या होगा? हिस्सा और किस्मत। भारती भारतीय, सरस्वती हिंदुस्तानी, रूपा और किनारा और आकार, यही आपका गलत है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो रूपा है, रूपा माने किनारा, रूपा चांदी का पर्यायवाची है, चांदी को कहते रूपा,
और रूप माने आकार आकृति या स्वरूप होता है, लेकिन रूपा मीन्स किनारा नहीं होता। अगला है आपका ग्रह और ग्रह, ये तो बड़ा सिंपल सा है, हालांकि आया है कई बार है। इस ग्रह माने घर और उस ग्रह माने नक्षत्र होता है, घर और नक्षत्र। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? सही नहीं है अभय उभय निर्भीक दोनों, इतर इत्र अन्य और सुगंधित द्रव्य, कांति और क्लांत थकावट और चमक, कपिस कपिस मटमैला और हनुमान। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो सी पॉइंट है सी से ये, इसमें कांत माने होता है चमक, एक कांत शब्द है इसका मतलब होता है चमक, और क्लांत माने थकावट होता है, तो ये उल्टा लिखा है थकावट और चमक। अगर चमक और थकावट लिखा होता तो सही होता। अगला है किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्द युग्म का अर्थभेद सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है? दर्शन और दर्शन, दांत और अवलोकन, प्रणय प्रणय प्रेम और विवाह, सूति और सूति, प्रसव सूत का बना हुआ कपड़ा, निर्जर और निर्जर। यहां पर भी डी से ही बच्चे ध्यान रखेगा, निर्जर माने होता झरना वाटरफॉल, और निर्जर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा न हो, तो जो कभी बूढ़ा नहीं होगा उसे क्या कहते हो? देवता को कहा जाता है, देवता अजर अमर हैं। तो यहां होना चाहिए था झरना और देवता। अगला है कि संस्कृत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। हरण हरिण, चुराना मृग, स्रोत स्रोत, धारा कान, चीर चीर, वस्त्र दीर्घकाल, द्रव द्रव्य, तरल पदार्थ। अर्थ भेद सही नहीं है। तो हरण माने हरणा या चुराना, हरण मृग भी होता है, स्रोत धारा है और स्रोत कान होता है, चिर वस्त्र और दीर्घकाल। तो यहीं पर आपको गड़बड़ लग रहा है, जो चिर शब्द है चिर, चिर माने होगा दीर्घकाल, और जो चीर शब्द है आपका इसका मतलब होता है वस्त्र, जबकि यहां वस्त्र और दीर्घकाल दिया गया, सी सही हो जाएगा। अगला आता है शब्द युग्म समोच्चारित नहीं है, चयन करना है कुमार और कुम्हार, करकट कचरा, कढ़ाई कढ़ाई, कमल और कंबल। तो कुमार कुम्हार सही है, कुमार माने पुत्र और कुम्हार एक जाति है, कढ़ाई कढ़ाई के साथ शक्ति के साथ, और कढ़ाई एक पात्र एक बर्तन होता है खाना बनाने वाला, कमल कमल हो गया, कंबल एक ओढ़ने का वस्त्र सर्दियों में। लेकिन कूड़ा और करकट ये दोनों कचरा एक ही चीजें हैं, इसलिए संस्कृत शब्द नहीं है ये। इसका मतलब यही होता है सुनने में एक जैसे लगे, लेकिन अर्थ भी भिन्न भिन्न होने चाहिए, समान अर्थ नहीं होने चाहिए। निम्न से कोई एक युग्म समोच्चारित नहीं है, अपहार उपहार, अभिराम अभिराम, अंत अंतिम, अभिमान अभियान। तो देखो ये सब अलग अलग है, एक अपहार है बुराइयां है, उपहार कोई पुरस्कार है, अभिराम सुंदर, अभिराम लगातार, अंत यानी अंतिम और अंतिम अंतिम, ये दोनों का एक ही अर्थ है इसलिए इसमें नहीं आएगा, और अभिमान अभियान ये दोनों अलग अलग है। प्रहार और परिहार का सही अर्थ कहां आपको मिलेगा? प्रहार माने होता है आक्रमण और परिहार माने होता है त्यागना, आक्रमण या मारना और त्यागना, मारना और त्यागना, परिहार मीन्स त्यागना होता है, कई बार परिहार अलग से भी पूछा गया है। अगला आता है 24 का इंपोर्टेंट, जरठ और जठर, जरठ माने होता बूढ़ा और जठर पेट को कहते हैं, तो बूढ़ा और पेट शब्द यहां पर आएगा वही विकल्प सही हो जाएगा। बात और वात, बात माने बातें और वात हवा को कहते हैं, ध्यान रखिएगा ये सब जो खिड़की है ये क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, इसकी शुद्ध हिंदी होती है वातायन,
यानी जहां से हवा आए बातें, तो बातें और हवा, ये पहला इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगला है श्रुत संभिन्नार्थक शब्दों के जोड़े को पहचानना है, अपेक्षा उपेक्षा, संसार जगत, शाम संध्या, दिन दिवस। तो देखो बेटा, संसार जगत एक ही बातें हैं, शाम संध्या एक ही बातें हैं, दिन दिवस एक ही बातें हैं, तो अपेक्षा उपेक्षा ये शब्द सही है, भिन्नार्थक शब्द है। अंबुज और अंबुद, अभी मैंने आपको बताया था या पिछली कक्षा में कि पानी के पर्यायवाची के आगे अगर जा लगाओ तो कमल, दा लगाओ तो बादल, और धी लगाओ तो समुद्र, तो अंबुज माने होता कमल और अंबुज माने होता बादल, कमल और बादल आ जाएगा इसका अर्थ। फिर आएगा अनिल और अनल, शब्द युग्म का सही अर्थ, अनिल मीन्स हवा और अनल आग का संदर्भ है, हवा और आग, हवा शब्द हो और जहां पर आग शब्द हो वही इसका विकल्प सही होगा। दिन और दीन, ये भी कई बार आया है, दिन माने होता दिवस और दीन माने होता दीनहीन गरीब, तो दिवस और गरीब। अगला है आपका मरीच और मरीची, ये भी हमने आपको बताया था, फिर से एक बार देख लीजिएगा, एक शब्द है मरीच, मरीची और मरीच छोटी की मात्रा, तो मरीच जो है वो राक्षस है, मरीची जो सूर्य है और मरीच जो है वो किरण है, तो किरण और सूर्य शब्द हो जाएगा, यानी मरीच एक किरण है और मरीची सूर्य है, किरण और सूर्य। तो इस प्रकार समसूत्र भिन्नार्थक शब्दों में से प्रश्न अनिवार्य आवश्यक रूप से आते हैं, इनके अर्थ को आपको याद कर लेना है, अगर दिए गए शब्दों का हमें मीनिंग पता है तो हम विकल्प में से बड़ी आसानी से चुन लेते हैं, और अगर उनका हमें अर्थ नहीं पता होता है तो केवल हमें एक आइडिया लगाते हैं कि इसका ये उत्तर होगा या ये उत्तर नहीं होगा। तो इस प्रकार इनका अभ्यास बनाए रखें, आपको हिंदी में कोई समस्या नहीं आएगी। नमस्कार, जय हिंद।